विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है चुनाव आयोग की तरफ से। 10 मई को वोटिंग है, इसी को लेकर कांग्रेस की बैठक जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, राहुल गांधी पहुंचे हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर, जो कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है उसी में शिरकत करने के लिए। और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल पूछा, 20,000 करोड़ रुपए अदाणी जी की शेल कंपनी में है, वो किसके हैं, ये बेनामी है। तो सवाल लगातार राहुल गांधी की तरफ से पूछा जा रहा है, सवाल लगातार राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा है। कटघरे में हर बार राहुल गांधी मोदी सरकार को खड़ा करते नजर आ रहे हैं अदाणी के मुद्दे को लेकर। आज भी एक बार फिर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला। मौका कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की अहम बैठक का था जिसमें शिरकत करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, और इस दौरान एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से वही सवाल उठाया गया, 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनी में किसके। तो बीजेपी पर राहुल का बेनामी वाला वार, सुनिए सर। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying, there's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? तो सुना आपने किस तरीके से मीडिया के सामने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी सवाल वही दोहरा रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए अदानी की शेल कंपनियों में आकर किसके हैं, बेनामी संपत्ति किसकी। निशाने पर मोदी सरकार को लेते हुए, भ्रष्टाचार के मामले पर मोदी सरकार की घेराबंदी करते हुए, यही वो मामला है जिसको लेकर इतना गतिरोध पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है कि सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है। और ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच ये आर पार, और फिर राहुल गांधी ने दोहराया अपना जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।